प्रकृति की हर बात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रकृति कब क्या चमत्कार करेगी, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में प्रकृति की कुछ बातों का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें या घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जिनके पीछे के सच के बारे में विज्ञान भी नहीं बता पाता है। आपको बता दें, इस बात से हर व्यक्ति परिचित है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में ग्रहों नक्षत्रों को खास माना जाता है। भारत में ग्रह नक्षत्रों का ज्योतिषीय महत्व तो है ही, साथ ही इनका संबंध धर्म के साथ भी है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का इंसान के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों के ही अनुसार ग्रहों की संख्या 9 है। सभी ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया है। अगर सूर्य नहीं होता तो ना ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता और ना ही सभी 9 ग्रह इस अवस्था में रह पाते। जिस तरह से सूर्य का होना हमारे सौर मंडल के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही चंद्रमा का होना भी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। हर साल आपको कई खगोलीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ सूर्य से जुड़ी होती हैं, तो कुछ चंद्र से जुड़ी होती हैं। बीएम बिरला विज्ञान केंद्र के निर्देशक बीजी सिद्धार्थ ने सोमवार को कहा कि बुधवार को चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। आपको बता दें, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल और भूरे रंग में दिखाई देगा। इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र की एक विज्ञप्ति में इस ब्लड मून को सुपर मून भी कहा गया है। इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसकी वजह से पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने लगती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य अगर तीनों रेखा पर आते हैं तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। सिद्धार्थ के अनुसार, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपरवित हो जाती हैं, तो चंद्रमा हल्की भूरी और लाल चमक ले लेता है। यह 31 जनवरी को देखने को मिलेगा। इसी वजह से कुछ लोग इसे ब्लड मून भी कहते हैं। केंद्र की विज्ञप्ति के अनुसार यह चंद्र ग्रहण ऐसा है जिसे भारत के हर हिस्से में आसानी से देखा जा सकेगा। कई बार चंद्र ग्रहण कुछ खास हिस्सों में ही दिखाई देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत बुधवार शाम 5:20 पर हो जाएगी। मुख्य चंद्र ग्रहण की शुरुआत सूर्य अस्त के बाद लगभग 6:20 पर होगी। इसके लगभग 1 घंटे बाद 7:25 पर चंद्र ग्रहण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस तरह की खगोलीय घटना वाकई में बहुत खास होती हैं। बुधवार के दिन इस घटना का दीदार जरूर करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।